वर्मा, पूर्व विधायक फतेहाबाद आगरा। मोबाइल वीडियो देखने से पता चला है कि मेरे द्वारा पुराना वीडियो को किसी विरोधी ने निकाल कर तोड़ मरोड़ करके अभद्र भाषा का वीडियो वायरल कर रहे हैं। वह निराधार झूठा है और फर्जी है। मेरे द्वारा किसी भी समाज व्यक्ति के खिलाफ मैंने कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। कुछ विरोधी तत्व मेरे सार्वजनिक बढ़ती हुई लोकप्रियता को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं सभी समाज का सम्मान करता हूं और विशेष व्यक्ति का भी सम्मान करता हूं। राजनीतिक चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए किसी ने जानबूझ किया जा रहा है। अगर मेरे द्वारा कोई इस प्रकार का कोई गलत शब्द नहीं कहा गया है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है जो फतेहाबाद से बीजेपी से आप प्रमुख दावेदार हैं, क्या इसको लेकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस तरह सभी समाज में ये सच्चाई का पता चल जाएगा, जनता निर्णय करेगी और पार्टियां निर्णय करेंगी कि किस भले व्यक्ति को टिकट देना है। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव जब जब आते हैं और जब जब हम जैसे कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति की राजनीति को हम लोग आगे लाते हैं और लोग उसको प्रयास करके धूमिल करने का प्रयास करते हैं, परंतु हम लोग विश्वास नहीं करते हैं गलत काम में, हम सच्चे काम में विश्वास करते हैं, सच्चाई पर हमेशा ध्यान दे करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो है, जो कम का लगता है आपको, आपने भी देखा होगा जिससे? अब मैंने देखा है, मेरी तो उसमें कोई तमाम रात को मेरी अमर उजाला तमाम मीडिया वालों से बात हुई, उसने किसी ने इस वीडियो में कुछ नहीं मुझे दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कहीं कुछ है। और मैंने जब ही तो कहा है कि इसको कुछ राजनीतिक तत्वों ने, विरोधियों ने तोड़ मरोड़ के इसको किया गया होगा, मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। विशेष समाज वर्ग में इस तरह के नहीं, मैं सभी जा रही है तो क्या मैं सामाजिक ब्राह्मणों वाली बात करते हैं। मैं 2009 में माननीय ब्राह्मणों के साथ रहा था, माननीय सीमा पापदाय को लोकसभा में चुनाव जीतने का काम किया था। सभी ब्राह्मण समाज एक था और एक रहेगा, और जो कुछ सामाजिक व्यक्ति समाजों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे तब तो ये विरोधी पक्ष एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।